हेलो माय फैमिली, मैं प्रकाश चक्रवर्ती फिर से हम लेके आ चुके हैं हमारा आर्म्स वर्कआउट जो 100% आप सबको रिजल्ट देगा। बस आप लोग एंड तक बने रहना और वीडियो को अच्छे से देखते हुए पूरे वर्कआउट को सही तरीके से परफॉर्म करना ताकि आप भी अपने नेचुरल आर्म्स को ग्रो कर सको हमारे साथ मिलकर। और जितने भी नए भाई देख रहे होंगे, वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी हिट करना यार, ताकि आप लोगों तक भी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्म्स वर्कआउट जो कि हम चिन अप से करेंगे। इस तरीके से आप चिन अप को लेंगे जो आपका 3 सेट्स होगा, जहां पे आपको 10 बार 13 बार 15 बार इस चिन अप को परफॉर्म करना है। जैसे ही आपका ये 3 सेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके तुरंत बाद आप बारबल की तरफ आ जाएंगे। और बारबल में आप कैसे परफॉर्म करेंगे अच्छे से देखिएगा। नॉर्मली है, बस आपका जो हैंड का जो लॉक है वो ध्यान रखिए कि आपके हैंड लॉक्स हो जाने चाहिए बॉडी के उसमें, ताकि आपके बाइसेप्स को अच्छे से आप टारगेट कर सको परफॉर्म करते समय। तो इसे भी आप लोगों को 3 सेट परफॉर्म करना है, जहां पे आप लोगों का रेप्स 6 बार 8 बार और 13 बार, 6 8 13, जहां पे आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। स्टार्ट समझ लीजिए, अगर आपने 2.5 किलो में किया है तो उसे आपने 6 बार परफॉर्म कर लिया, फिर 2.5 हटा के 5 लगाए, फिर आपने उसे 8 बार परफॉर्म कर लिया, फिर आप 5 हटा के 7.5 लगाए, उसे आपने 13 बार कर लिया। तो ये आपका बारबेल का 3 सेट्स हो जाएगा। इसके बाद डंबल में आप देखो यार, डंबल को ना आप लोगों को 3 सेट परफॉर्म करना है, जहां पहला सेट आपका 8 बार होगा, दूसरा सेट आपका 10 बार होगा और तीसरा सेट आपका 14 बार होगा। और ये कैसे होगा ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए। और हाँ, इसमें भी आपको 3 बार प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। जैसे 5 से स्टार्ट किया, पहले राउंड में 5 ले लेना वेट, फिर 7.5 का डंबल, फिर 10 का, 3 बार वेट को इंक्रीज करना और रैप्स को भी इंक्रीज करना। मगर हाँ, जैसे मैंने ये 8 बार परफॉर्म किया तो फर्स्ट में 8 बार जो करने वाला हूँ वो मैं इस तरीके से पहले 4 बार ले लूंगा। 2 पार्ट में करेंगे, है ना। ये मैंने 4 बार ले लिया, ये हो गया मेरे 4 बार, ठीक। फिर सेकेंड में मैंने इसे 4 बार लिया, तो अब ये हो गया मेरे 8 बार। ऐसे ही आप लोगों को परफॉर्म करना है। अब ये 4-4 करके किया, इसके बाद आप 5-5 करके कर लेना, इसके बाद आप 7-7 करके कर लेना। इसलिए ये 8 बार 10 बार और 14 बार है, जहां पे आपको वेट को भी इंक्रीज करना है और रैप्स को भी इंक्रीज करना है। ये हमारा डंबल हो गया। इसके बाद मशीन का देख लेंगे। प्लीज आप वेरिएशन को अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को परफॉर्म करने में भी मजा आए और रिजल्ट भी अच्छा आ सके आप लोगों का। तो फर्स्ट आप यहाँ पे बाइसेप्स परफॉर्म कर लेना, जो आप लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों का रैप्स होगा 3 सेट्स, जिसमें आप फर्स्ट में 13 बार करेंगे, सेकंड में 15 बार और थर्ड में 18 बार। इसमें भी आप वेट इंक्रीज करेंगे और रैप्स को बढ़ाएंगे। 3 सेट जैसे ही ये परफॉर्म हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरीके से 2 ठोक ग्रिप्स का यूज करते हुए ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ के इस तरीके से आप फर्स्ट ट्राइसेप्स को परफॉर्म करेंगे, जो आपका 3 सेट्स होगा। और इसमें भी आप लोगों का रैप्स 15 बार 13 बार और 18 बार होगा। फिर आप यहीं पे इसे पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़ लेंगे और ये पूरा पीछे तक जान देंगे और आगे तक लाएंगे, पीछे तक जान देंगे और आगे तक लाएंगे, पीछे तक जान देंगे आगे तक लाएंगे। तो इसका भी आप लोग 3 सेट्स लेंगे, जहां पे आपको ये सेम वैसी होगा, 13 15 18, 3 सेट्स। बस याद रखिएगा, पहले इसे 13 15 18 का पूरा 3 सेट कंप्लीट करिएगा, फिर इसे 13 15 18 का पूरा 3 सेट कंप्लीट करिएगा, फिर इसे 13 15 18 का पूरा 3 सेट कंप्लीट करिएगा। यहाँ मशीन हो गया। तो फिर से हम अपने बारबल की तरफ आ चुके हैं और बारबल में हमको सेम इसी बारबल से परफॉर्म करना है। बस हाथ को हमको ऐसे उल्टा रख लेना है, अच्छे से देखिएगा, और इस तरीके से इसे जैसे पहले बारबल में आपने जो सेट्स मैंने आप लोगों को बताया था वही सेट का यूज करेंगे और इसमें भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा, वेट बढ़ेगा, रैप्स बढ़ेगा। 3 सेट्स इस बारबल का परफॉर्म कर लेना। इसके बाद डंबल में आप परफॉर्म करेंगे, जहां पे आप फर्स्ट इसी इंक्लाइन बेंच में लेट जाएंगे और लेट के आप इस ट्राइसेप्स को ले लेंगे पहले। और जैसे ही आपका ये 8 बार हो जाएगा, फिर आप यहां पे इसे 8 बार ले लेंगे। या
इसे 8 बार और इसे 8 बार। उसके बाद आप फिर यहां पे इसे 10 बार लेंगे एंड देन इसे 10 बार लेंगे, फिर आप इसे 13 बार लेंगे, फिर इसे 13 बार लेंगे। तो ऐसे करते हुए इसका 3 सेट परफॉर्म कर लीजिएगा, जहां पे यहां भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। और हाँ, किसी को भी ज्यादा हैवी वेट्स पे नहीं जाना है, लाइट वेट्स भी अच्छा खासा इफेक्ट दिखाएगा। बस फॉर्मेट अच्छे से रखिएगा अपने बॉडी का, ताकि आप लोग जब परफॉर्म करें तो 100% आपके ट्राइसेप टारगेट हो, ना कि बाइसेप्स, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे आगे तक लेके आ जाते, आगे तक लाने नहीं, बस यहाँ पे रखे और पूरा ऐसे पीछे कर लिए। फास्ट मूवमेंट बता रहा था क्योंकि यार वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, ताकि आप लोग को फिर मजा आना है। तो यहाँ हमारा इसका 3 सेट्स हो गया। इसके बाद फिर मशीन में आ जाएंगे और मशीन में हम फर्स्ट सिंगल एंड ट्राइसेप्स को परफॉर्म करेंगे। तो इसमें भी आप लोगों का सेम रैप्स रहेगा, 13 बार, 15 बार और 18 बार। वेट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बट वेट इंक्रीज करना और रैप्स को भी इंक्रीज करना, ये हो जाएगा। उसी के तुरंत बाद आप सिंगल हैंड से इसे ले लेंगे। तो ये भी आप लोगों का 13 बार 15 बार 18 बार होगा, बट पहले इसे कंप्लीट करना, फिर उसके बाद इसे करना। और फिर यहाँ पे आप ऐसे बारबेल लगा लेंगे और क्लोज ग्रिप पकड़ेंगे, क्लोज ग्रिप पकड़ के बस ये इस तरीके से आप इसको 3 सेट परफॉर्म कर लेना। यहाँ आप लोगों का रैप्स रहेगा 13 बार 15 बार और 18 बार, 3 सेट ले लेना। वेट भी बढ़ाना और रैप्स को भी बढ़ाते जाना, ताकि आप अपने बाइसेप्स को 100% ग्रो कर सको। इसके बाद जो राउंड है, प्लीज आप सब अच्छे से देखना। फर्स्ट आप यहाँ पे पुशअप को परफॉर्म करेंगे, जो आप लोगों का 8 10 13, 3 सेट लेना, 8 बार 10 बार 13 बार। जैसे आपका पुशअप हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे आएंगे और बारबेल को लेंगे और ऐसे हैंड्स को ना पीछे कर लेना, पीछे करके पूरा ऊपर तक लाके पूरा छोड़ना, ये। तो ये भी आपको पहले वाले बारबेल जैसा ही रैप्स और सेट्स का यूज करना है। और यहां भी आप वेट बढ़ाएंगे और रैप्स बढ़ाएंगे। तो इसके आप 3 सेट पहले परफॉर्म कर लेना, इसके बाद आप इसे परफॉर्म कर लेना। जो आपका 3 सेट्स होगा, जिसमें आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है, रैप्स रहेगा इसमें 8 बार 10 बार और 13 बार। और यहां भी आप तीनों सेट्स में वेट इंक्रीज करेंगे और रैप्स को इंक्रीज करेंगे, 8 बार 10 बार और 13 बार ले लेंगे। और जैसे ये हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे फोर आर्म्स के लिए परफॉर्म कर लेना, 8 बार 10 बार 13 बार। अच्छे से देख लो, 8 बार 10 बार 13 बार, ये हो गया। फिर आप यहाँ पे 2 डंबल यूज कर लेना। 2 डंबल का यूज करते हुए यहाँ पे आप 4 आर्म्स को ले लेंगे इस तरीके से, जहाँ आपका फुल रेंज ऑफ मोशन भी बनेगा और बहुत अच्छे से आपका 4 आर्म्स भी टारगेट होगा, 8 बार 10 बार 13 बार, बट वेट भी इंक्रीज करते जाना और रेस्ट भी बढ़ाते जाना, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे घुमा लेना और इसे परफॉर्म कर लेना, 8 बार 10 बार 13 बार, वेट भी इंक्रीज कर लेना। इसके बाद भी 3 चीज एक साथ परफॉर्म करना है आपको। फर्स्ट यहाँ पे रोप में दिखा दे रहा हूँ, फर्स्ट आप इसे परफॉर्म कर लेना 8 बार 10 बार 13 बार, 3 सेट जैसे ही हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पे इसे परफॉर्म कर लेना 8 बार 10 बार और 13 बार, जैसे ये 3 सेट्स हो जाएगा। फिर एट लास्ट फेवरेट वर्कआउट है, इसलिए मैं हर बाइसेप्स में रखता ही हूँ, जो बहुत अच्छे टारगेट भी करता है और बहुत अच्छा इफेक्ट भी दिखाता है। इसे परफॉर्म कर लेना, तेरह पंद्रह अठारह, पूरी वीडियो को यार बनाते बनाते डिहाइड्रेट हो जा रहा हूँ, देख लीजिए कितनी गर्मी में बना रहा हूँ, पसीना पसीना हो गया, तो अक्सर मिस्टेक हो जाता है, वहाँ का रैप्स यहाँ आ जाता है, तो उसके लिए माफ़ कर देना। बट हाँ, ये 100%
बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पूरे ओवरऑल आर्म्स में दिखाएगा। बस आप सब अच्छे से परफॉर्म करना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे अच्छे से परफॉर्म करके अपना नेक्स्ट लेवल का आर्म्स अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।